दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री में बाल कलाकार कितनी अहम भूमिका निभाते हैं ये तो सभी जानते हैं। जहां कई टीवी शोज की शुरुआत ही बाल कलाकारों से होती है, जिसकी वजह से दर्शक भी बाल कलाकारों की मासूमियत और नटखट अंदाज पर दिल हार बैठते हैं और उन्हीं के लिए टीवी शोज भी देखना शुरू कर देते हैं। जब इतने सालों में भी हमारी टीवी इंडस्ट्री में ऐसे ही कई कलाकार देखने को मिले हैं जिन्होंने अपने शो में बाल कलाकार के रूप में दर्शकों का जमकर एंटरटेनमेंट किया और दर्शकों के फेवरेट बने। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं टीवी शोज में अपनी मासूमियत और नटखट अंदाज से कहानी में चार चांद लगाने वाले वो बाल कलाकार आज काफी बड़े हो चुके हैं, जिन्हें देख आप शायद पहली नजर में उन्हें पहचान भी ना पाएं। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उन्हीं बाल कलाकारों से रूबरू कराएंगे जो आज काफी बड़े हो चुके हैं। तो देर किस बात की, चलिए जानते हैं। नंबर वन, अविनाश मुखर्जी। टीवी इंडस्ट्री का मोस्ट पॉपुलर शो रहा है बालिका वधू, जिसमें जहां छोटी सी आनंदी बनकर अभिका गौर ने सबका दिल जीता था, तो वहीं छोटे जगदीश का किरदार निभाकर अभिनेता अविनाश मुखर्जी ने भी दर्शकों का मनोरंजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन अगर बात करें इनके आज के बारे में तो बता दें ये आज 24 साल के हो गए हैं और काफी बदल गए हैं। जहां शो में ये पहले काफी सिंपल और क्यूट अवतार में नजर आए थे, तो वहीं आज ये काफी हैंडसम और माचो पर्सनैलिटी वाले एक्टर बन गए हैं, जिनका ड्रेसिंग सेंस भी काफी बदल चुका है। वहीं बता दें इन्होंने अपनी अभिनय करियर को आज भी जारी रखा है, जिन्हें ससुराल सिमर का सीजन 2 में आरव के किरदार में देखा जा रहा है। नंबर 2, अवनीत कौर। लाइफ ओके के पॉपुलर शो मेरी माँ में झिलमिल के रूप में नजर आई बाल कलाकार अवनीत कौर भी इस लिस्ट में शामिल है। बता दें अवनीत कौर भी आज काफी बड़ी हो चुकी हैं, जिन्होंने इस साल ही अपनी 20 साल की उम्र पार की है, जिसकी वजह से जहाँ शो में इन्हें काफी छोटी और फटे पुराने कपड़ों में देखा गया था, तो वहीं आज ये काफी ज्यादा सुंदर हो चुकी हैं, जिनके स्टाइलिश कपड़ों और लुक की दुनिया दीवानी है। पर आपको बता दें ये आज भी सिंगल हैं और फिलहाल अपने करियर पर फोकस कर रही हैं। कुछ समय पहले अलादीन नाम तो सुना होगा, शो में देखा गया था। नंबर 3, अश्नूर कौर। इस लिस्ट में एक नाम अभिनेत्री अश्नूर कौर का भी शामिल है, जिन्होंने साल 2011 में जी टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो शोभा सोमनाथ की में छोटी शोभा की भूमिका अदा की थी। बता दें छोटी सी अश्नूर कौर अब अपनी 17 साल की उम्र पार कर चुकी हैं और इसी के चलते आज ये पहले के मुताबिक काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हैं। शो में आपने इन्हें घाघरा चोली और लंबे लंबे बालों में क्यूट अंदाज में देखा था, तो वहीं आज इनका अंदाज कुछ ऐसा हो गया है। जी हाँ, आज ये पहले के मुताबिक काफी ज्यादा गॉर्जियस स्टाइलिश नजर आती हैं, जिनकी खूबसूरती और स्टाइल को देख लोग आज भी इनके दीवाने हो जाते हैं। बता दें ये आज भी अपनी लाइफ में सिंगल हैं और फिलहाल अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रह रही हैं, जिन्होंने आज भी अपने एक्टिंग करियर को बरकरार रखा है, जो हाल ही में आई वेब सीरीज परी हूँ मैं में नजर आई थी। नंबर 4, जेनिफर विंगेट। इस लिस्ट में नंबर 4 पर शुमार होने वाली अभिनेत्री हैं जेनिफर विंगेट। जी हाँ, जेनिफर विंगेट भी साल 2001 में आए शो चकलाका बूम बूम में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था, जहाँ इन्हें शॉर्ट हेयर और स्टाइलिश कपड़ों में काफी क्यूट अंदाज में देखा गया था। वहीं अगर बात करें इनके आज की तो बता दें कि आज 36 साल की हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इनके चेहरे पर जो क्यूटनेस और इनोसेंस थी अब वो मैच्योरिटी में बदल चुकी है। वहीं अब इनके कपड़ों से लेकर इनके बालों का अंदाज भी बेहद स्टाइलिश और गॉर्जियस हो चुका है, जो कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बता दें बीते सालों में ये शादी करके अपना घर भी बसा चुकी थी, पर अफसोस इनका रिश्ता चल ना सका, जिसकी वजह से ये वर्तमान में सिंगल हैं और अपने करियर पर फोकस कर रही हैं, जिन्हें कुछ समय पहले बेहद 2 में देखा गया था। नंबर 5, देव जोशी। इस लिस्ट में आखिरी नाम शुमार है देव जोशी का, जिन्हें आपने बालवीर शो में बालवीर के रूप में देखा होगा। वहीं अगर बात करें इनके आज के बारे में तो बता दें जहां शो में ये बालवीर के कपड़ों में काफी छोटे और क्यूट से नजर आते थे, तो वहीं आज ये काफी बड़े हो चुके हैं, जिनकी दुबली पतली बॉडी अब एकदम हट्टी कट्टी बॉडी में बदल चुकी है और इसी वजह से देखने में ये काफी हैंडसम लगने लगे हैं। वहीं बता दें वर्तमान में सिंगल हैं और अपने परिवार के साथ मुंबई में रहते हुए अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, जिन्हें कुछ समय पहले बालवीर 2 में देखा गया था। तो दोस्तों, इनमें से किस बाल कलाकार का अंदाज आपको सबसे ज्यादा हैरान कर गया, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।